इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ बेस यूनिट्स, यानी ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है वो दो तरह की होती है। एक वो होती है प्रॉपर्टी, यानी वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि डायरेक्ट मेयर की जाती हैं, जो कि किसी और बेस क्वांटिटी की मदद से, हम कहते हैं कि किसी और क्वांटिटी की मदद से नहीं फाइंड की जाती, वो होती हैं जी बेस क्वांटिटीज। और उनके जो यूनिट होते हैं जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनली माने जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के हवाले से, उनके जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो क्या है जी, बेस यूनिट्स हैं। और फिर इसी तरह वो क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटी की मदद से बनाई जाती हैं या उनकी मेयरमेंट की जाती है, उन्हें हम कहते हैं कि वो जो बेस क्वांटिटी की मदद से हासिल होती है उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। और फिर उनकी जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो अब तक जितने, चूंकि बेस क्वांटिटीज तो हमारे पास 7 है, और जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है या जो हम कह सकते हैं वो तो बेशुमार है, चूंकि हमारी कैलकुलेशन तो कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो कि हम सर्च में रहते हैं, वो चलती ही रहेंगी। तो हम यूँ बात करते हैं कि जैसे हमने ये बात की थी कि एक मीटर है, एक मीटर को हमने यूँ डिफाइन किया था कि जब हम एक रॉड, यानी हमने फर्ज करें ए से लेकर बी तक ये देखना है कि इस रॉड की कितनी लेंथ है, तो हमने एक एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जो कि पेरिस में पड़ा, उसमें एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है जी मीटर का, जो कि एक प्लाटिनियम और रेडियम की अलॉय की एक रॉड है, और ये कहा था कि जी ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा। तो फिर उसी को इसके साथ से हम नापते हैं, ये 2 हो गए यहाँ पर, ये 3 हो गए, यानी यहाँ तक अगर देखें 3 मीटर, यहाँ पर 4, और ये 4.5। तो हम ये कह देंगे जी इस बार की जो लेंथ है ये 4.5 मीटर है। तो मीटर बेसिकली अगर आप देखें तो मीटर बेसिकली यूनिट है लेंथ का, जबकि 4.5 जो है ये क्वांटिटी है। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट दोनों जब इस्तेमाल होते हैं तो तब वो मेजरमेंट जो हमारी मुकम्मल होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो हम बेस अब यूनिट्स के हवाले से बात करेंगे, जैसे टाइम हमने मेजर नापना है, मेजर करना है, तो टाइम के लिए स्टॉप वॉच यूज की जाती है, और इसका भी एक जो है वो बकायदा हमने देखा था कि इसको जब हमने डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि ये जो एटॉमिक क्लॉक है वो बेसिकली जो है वो सीजियम 133 जिसका एटॉमिक मास नंबर है उसकी वाइब्रेशन जो हो रही होती है एक, यानी वो जितनी बहुत ज्यादा एक वाइब्रेशन कर रहा होता है एक सेकंड में, वो 1 सेकंड को, यानी इतनी ज्यादा वाइब्रेशन को हमने 1 सेकंड कहा था। तो यहाँ से फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये टाइम जो है वो सेकंड्स में मेजर होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेस यूनिट्स लिखे हैं, जैसे हम देखें तो लेंथ जो है वो मीटर्स में मेजर की जाती है, जिनके एक सिंबल जो है वो एम से, स्मॉल एम से जाहिर किया जाता है। इसी तरह मास जो है किलोग्राम में मेजर किया जाता है, जिसको हम केजी से जाहिर करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप देखें तो एम्पेयर यानी कैपिटल ए से जाहिर किया जाता है। ये बेस क्वांटिटीज हैं, यानी इनको डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है, किसी और क्वांटिटी की मदद से इनको नहीं मेजर किया जाता। टाइम अगर देखें तो डायरेक्ट सोर्स से मेजर हो जाता है, सेकंड्स एस से इसको जाहिर किया जाता है। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में जो है के, यहाँ पर कैपिटल के से इसको जाहिर किया जाता है जी। और इसी तरह अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देखें, कैंडिला सीडी से जाहिर की जाती है। और इसी तरह जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है किसी भी, यानी जिस तरह पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने, तो उनमें जो तादाद है उसको मोल कहा जाता है, MOL से इसको जाहिर किया जाता है। इसी तरह अगर हम डिराइव क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, चलें जी, वॉल्यूम जो है बेसिकली ये लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ और हाइट को जो है वो मल्टीप्लाई करने से आता है। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो तीनों ही बेसिकली हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, यानी ये भी लेंथ है, मीटर्स के यूनिट है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर। तो अगर हम देखें तो ये तीनों 3 टाइम्स मीटर, जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर अगर बेसिस सेम हो, पावर एड हो जाती है, तो इसके यूनिट जो है वो मीटर क्यूब बन जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है। इसका फोर्स जो है ये भी न्यूटन, चूंकि न्यूटन ने इसके बारे में बात की थी तो उनके नाम से इसको रखा गया, ये एन से कैपिटल से जाहिर किया जाता है। प्रेशर जो पास्कल में पीए से जाहिर किया जाता है। वर्क को जॉल्स में जे से जाहिर किया जाता है जी, इस तरह से कैपिटल जे बना दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसको अगर हम देखें तो ये कूलम सी से जाहिर किया जाता है, जबकि वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड यानी M/S से इसको जाहिर किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम है जी बेस यूनिट्स के हवाले से, उसमें जो बेस क्वांटिटीज हैं 7, उनके बेस यूनिट्स हैं, और फिर बाकी जो है वो उनकी मदद से, बेस क्वांटिटीज की मदद से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई गई, और उनके यूनिट्स कुछ हमने यहाँ पर देखे।